ओके हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन वंस अगेन। आप सभी का इस चैनल में और आज के इस सेशन में स्वागत है। सो आज इस वीडियो में हम आपके क्लास 12th इंग्लिश सिलेबस की फाइनली लास्ट पोयम में पहुंच चुके हैं सक्सेसफुली। यानी कि इस चैनल में हमने आपके स्टार्टिंग की जो भी 7 पोयम्स है, ठीक है, आपके इंग्लिश सिलेबस में टोटल 8 पोयम अपने को पढ़नी है। इसमें से कोई भी 2 पोयम आपके एग्जामिनेशन में आएगी। एक पोयम का पैराग्राफ आएगा जिसके अंदर आपको क्वेश्चंस दिए होंगे सॉल्व करने के लिए, और दूसरी पोयम पे आपको एप्रिसिएशन पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या क्या कंप्लीट हो चुका है चलिए एक बार देख लेते हैं। हमने आपकी पोयम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा आखिरी पड़ाव है पोयम सेक्शन का, और उसके बाद वी आर डन विथ आर इंग्लिश पोयम सेक्शन। आज इस पोयम में हम पढ़ने वाले हैं स्मॉल टाउन्स एंड रिवर। ये पोयम के बारे में सब कुछ, इस पोयम का एप्रिसिएशन, इस पोयम का फिगर ऑफ स्पीच, इस पोयम के अंदर के जितने भी आपके क्वेश्चन है, आइस ब्रेकर एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, पोयम का पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे, हार्डवर्ड्स के मीनिंग जानेंगे और उसके पीछे का लॉजिक समझेंगे कि इस पोयम से अपने को जो पोएट ममंग दाई है वो क्या मैसेज देना चाहती है, ठीक है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सेशन थोड़ा सा डिले हुआ है बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इशू, आपने को पता है बहुत टेक्निकल इशू होते हैं लाइव आने के लिए। आपको पता नहीं है कितना स्ट्रांग कनेक्शन चाहिए होता है सब चीज का, वाईफाई में जरा भी ऊपर नीचे होता है लाइव नहीं आ पाता इंसान। तो कोई बात नहीं, लेट आएंगे बट हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं पोयम नंबर 8, स्मॉल टाउन एंड रिवर। क्या बात है, तो 8वीं पोयम है, लास्ट पोयम है, और आप उसी डेडिकेशन के साथ कितने बच्चे इधर मुझे देखने को मिल रहे हैं, सीरियसली रियली प्राउड ऑफ यू। इसके बाद अपना चैप्टर सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये पोयम को डायरेक्टली हम अगर पढ़ने जाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं पहली बता रही हूँ। आप इंग्लिश के टेक्स्ट बुक खोलोगे, पोयम को रीड करोगे, सर पकड़ लोगे, बोलोगे ये भाई कहना क्या चाहते हो, भाई बोलना क्या चाहते हो, ममंगदाई कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो समझ में कैसे आएगी ये पोयम, ये पोयम आपको तब समझ में आएगी जब आप ममंगदाई का, यानी कि इस पोयम को जिसने लिखा है, ये पोएटिस ने लिखी है, इनका बैकग्राउंड जानना पड़ेगा कि ये किधर से आई है, इन्होंने ये किधर रहती थी, तो आपको जाके ये पोयम अच्छे से समझ में आएगी। बिकॉज आपको पोयम के नाम से अच्छा खासा समझ में तो आ चुका है, पोयम जो है वो एनवायरमेंट, नेचर, क्लाइमेट, एटमॉस्फियर, प्रकृति, ये सबसे कुछ मिला जुला है, राइट। स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स, रिवर नेचर से रिलेटेड कुछ है, तो यस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप सारे के सारे जो बच्चे हैं अपना इधर पे फोकस करेंगे और पोयम को समझेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी है, ये जो ममंगदाई है ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट में रहती है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट अपना कौन सा है, ये आपको इंडिया इधर पे दिख रहा है, ठीक है, ये अपना इधर पे इंडिया है। इंडिया का जो ये वाला हिस्सा है जो मैंने ब्लू से इसको हाईलाइट की हूं, ठीक है, ये वाला हिस्सा अपना कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स इसको हम बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट। जो भी बच्चे यूपीएससी वाले हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट पता है ना, 7 सिस्टर्स, तो इसमें 7 स्टेट आते हैं, अरुणाचल प्रदेश और बाकी के सब, म्यांमार ये सब, तो इस 7 में से एक स्टेट है अपना अरुणाचल प्रदेश। देखो मैं बैकग्राउंड बता रही हूँ, आप बैकग्राउंड समझोगे तभी ये पोयम को लॉजिकली अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, हमारी इस पोयम के लेखक, लेखिका, पोएटिस, कविता जो भी बोल सकते हो, कवित्री सॉरी, इस पोयम की पोएटिस ममंगदाई किधर पे रहती है, अरुणाचल में रहती है। अरुणाचल किधर आता है, अपने इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आता है, ठीक है। अब इसके अंदर एक बहुत सारे 7 स्टेट है, कौन से 7 है, मेघालय एक हो गया, त्रिपुरा, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड सिक्किम, ठीक है। सिक्किम नहीं, इसको हटा दो, नागालैंड हटा दो, मिजोरम, ये दोनों मिक्स, ये दोनों अलग हुए, सॉरी, तो 7 ही है, ये मणिपुर और मिजोरम अलग हुए इसलिए टोटल 8 हो गए। तो यहाँ पे अपनी जो राइटर है वो किधर पे रहती थी,
अरुणाचल प्रदेश, यानी कि भाई इंडिया के ऑलमोस्ट बॉर्डर पे, इधर पे, इधर और इधर पे क्या है, इधर पे तो हमारा हिमालय है, सबको पता है ना, हिमालय, यानी कि पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट माउंटेन, इतनी बड़ी जो रिवर हमारी है, कौन सी, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा, ये भी किधर से आती है, इंडिया में, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर सुने होगे ना, नदी, ब्रह्मपुत्रा, तो ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, ये भी अपने इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से। तो यहाँ के जो भी रहने वाले लोग होते हैं, जो भी लोग अरुणाचल में रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में रहते हैं, वो लोग का नेचर से बड़ा ही खतरनाक अटैचमेंट होता है। एक तो वो लोग इतने बड़े पहाड़ के पास रह रहे हैं, हिमालय के पास, इतने बड़े माउंटेन के पास लोग रह रहे हैं, यानी ग्रीनरी तो भाई नेक्स्ट लेवल की है उधर पर। इतनी बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र उन लोग के भाई घर के बाजू में से फ्लो हो रही है, रिवर, नेचर, हिमालय, माउंटेन, ग्रीनरी, नेचर, तो लोग का नेचर से ना एकदम बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है। इनफैक्ट यहाँ के लोग जो होते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जो लोग होते हैं, ये लोग नेचर को अपना भगवान मानते हैं, गॉड मानते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा बैकग्राउंड, तो ही जाके पोएम समझेगी आपको, ये पोएम में क्या लिखा है, क्यों लिखा है। तो ये चीज मेरी याद रखो, मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो लोग रहते हैं, ये लोग का नेचर के प्रति बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है, और ये लोग नेचर को, प्रकृति को अपना भगवान मानते हैं। ये लोग ऐसे सब एरिया में रहते हैं, वहां पे कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है, वहां पे कोई लोगों के पास गाड़ी, लैम्बोर्गिनी, बीएमडब्ल्यू उधर पे नहीं चलाते हैं। वहां पे जो भी लोग रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा ग्रीनरी वाला एरिया है, माउंटेन्स है, रिवर्स है, लोग ऐसे एरिया में रहते हैं, जो मैं बैकग्राउंड इधर पे लगा रही हूँ, ठीक है। तो ये जो मैं बैकग्राउंड इधर पे लगाई हूँ, ऐसे एरिया को, ऐसे एरिया में मवंगराई रहती है, ठीक है। अभी यहाँ के जो लोग हैं, देखो जितने सारे दिख रहे हैं आपको, मतलब एकदम शांति पूर्वक, बोलते हैं ना, एकदम नेचर के बीच में हमारा प्यारा सा घर बसा हुआ है, कोई भी गाड़ी की पीपो नहीं है, कोई भी लोकल ट्रेन का क्राउडनेस नहीं है, कोई भी मतलब है ही नहीं, पॉपुलेशन नहीं है, एकदम शांति में हम क्या है, नेचर के साथ बैठे हुए हैं, एकदम प्यारे से एनिमल्स है, इंसेक्ट्स है, बर्ड्स है, उन लोगों की आवाज, इतनी मस्त जिंदगी है ना, लोग वैसे मस्त जिंदगी में अपना जी रहे। तो यहाँ के जो लोग हैं, आपको पता चल गया होगा कि लोग एडवांस लेवल के नहीं है, ये लोग कौन है, देखो वेलकम, यहाँ पे अपना नॉर्थ ईस्ट स्टार्ट हुआ, लोग का वेलकम ही दिख रहे, कितनी ग्रीनरी है। तो आप सोचो, ऐसे लोग जो ग्रीनरी से इतना अटैचमेंट है, नेचर से इतना अटैच्ड है, और इतना ज्यादा लोग अपने नेचर को भगवान मानते हैं, अगर वहां पे जाके गवर्नमेंट डिफॉरेस्टेशन करेगी तो क्या होगा, आप मुझे बताओ। जो लोग नेचर को अपना भगवान मानते हैं, वहां पे जाके गवर्नमेंट अगर डिफॉरेस्टेशन करेगी, यानी कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए वहां के पेड़ों को काटेगी, वहां के माउंटेन्स को तोड़ेगी, वहां की नदियों को हटाएगी, तो वहां के लोग क्या करेंगे, चुप बैठेंगे क्या? नहीं चुप बैठेंगे, वो लोग भी फिर दंगे करेंगे कि नहीं, आप कैसे काट सकते हो, आप नेचर को हटा रहे हो, आप नेचर को हमारे कट कर रहे हो, मतलब आप हमको अपने भगवान से दूर कर रहे हो, ऐसे वो लोग बोलेंगे ना। इस ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सिचुएशन को हम इंसर्जेंसी बोलते हैं, इंसर्जेंसी। एक मिनट, हाँ सुनो मेरी बात सब लोग गौर से, ये पोयम की मैं डीप अंडरस्टैंडिंग आपको बताने के लिए थोड़ा सा थीम बता रही हूं। इनसर्जेंसी, इनसर्जेंसी मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनसर्जेंसी, इनसर्जेंसी एक ऐसे सिचुएशन होती है जहां पे सिटीजन्स अपनी ही गवर्नमेंट से लड़ते हैं, यानी इंडिया के लोग अपनी ही इंडियन गवर्नमेंट से लड़ भिड़ते हैं। क्यों? बिकॉज यहाँ पे मामला बिलीफ का है, यहाँ पे मामला सेंटिमेंट्स का आ गया, यहाँ पे मामला रिलीजन का आ गया है। और हर इंसान, बहुत सारे जो लोग होते हैं जो नेचर से अटैच होते हैं, जो ज्यादा डेवलप नहीं होते, वो लोग अपने रिलीजन को, बिलीफ को, रिचुअल कल्चर को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और उसको संभालने के चक्कर में लोग किससे भी लड़ लेते हैं। तो यहाँ के जो लोग होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जब गवर्नमेंट आती है ऐसे एरिया में,
प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, तो यहाँ के लोग लड़ भिड़ते हैं इतना। अब लोग फिलहाल को याद रखो, ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, इंसर्जेंसी। अब यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं, ये लोग क्या है, 99% सब लोग आदिवासी है। हमारी जो पोयम की पोएटर्स है वो भी एक आदिवासी है, वो आदि लैंग्वेज में लिखती थी, आप इंट्रोडक्शन में देखना आदि। तो ये आदिवासी नाम भी कहाँ से आया है, आदि का मतलब होता है हिल और वासी का मतलब होता है रेसिडेंट। देखो नाम में ही है, आदिवासी, आदि का मतलब हिल यानी पहाड़, ऊंचे इलाके में रहना जहां पे बिल्डिंग्स नहीं है, लोग पहाड़ में अपनी बस्ती बना के रह रहे हैं। आदिवासी पहाड़ में रहने वाले लोग, उन लोग का भाई, उन लोग का वही है, क्या बोलेंगे, उन लोग का तो वजूद ही वही है कि हम आदिवासी है, हम हिल्स में रहने वाले हैं, और आप हमारा हिल ही काट रहे हो, ग्रीनरी काट रहे हो, तो हम कहाँ जाएंगे, हमारा वजूद ही आप हटा रहे हो। तो ये करने के चक्कर में लोग क्या करते हैं, लड़ते हैं गवर्नमेंट से, लड़ते हैं, बहुत से लोगों की जान चले जाती है लड़ने के चक्कर में, ठीक है, मतलब कि नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग अपनी जान को गवा देते हैं। और यही जो सिचुएशन चलती है, इंसर्जेंसी जिसको हम बोलते हैं, लोग लड़ रहे हैं अपने नेचर को बचाने के लिए खुद की गवर्नमेंट से, तो जो भी चीजें होती है वो सिचुएशन को अवेयर करने के लिए ये पोयम लिखी गई है ममंग दाई के द्वारा, क्योंकि ममंग दाई खुद नॉर्थ ईस्ट में रहने वाली एक व्यक्ति थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी, मैंने क्या बताया यहाँ पे रहने वाले लोग कैसे होते हैं। देखो आदिवासी, अरे भाई इन लोग ने सर पे पगड़ी पहन, जो भी ये बाने हैं, कपड़ा जो पहने हैं, सब कुछ एक नेचर से बनाया हुआ है। देखो ये नॉर्मल लोग नहीं है हमारी तरह, जो एडवांस टेक्नोलॉजी को जानते हैं, ये लोग वो नहीं है जो गाड़ी में जाते हैं या पब्लिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं। लोग का बस सुबह से लेकर रात तक क्या होता है, नेचर के साथ रहो, नेचर के साथ हमारा वर्शिप करो, खाओ पियो, हंटिंग करो, सो जाओ। ऐसे भी लोग रह रहे हैं अभी इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में। आपको नहीं पता होगा बिकॉज आप अभी थोड़े छोटे हो, लेकिन आप जाओगे आगे तो आपको पता लगेगा कि हमारे से अलग भी कितने लोग ऐसे रहते हैं। ठीक है, अभी आप जाओगे, ठीक है, इनके एरिया में जाओगे, नेचर काटोगे ना, पेड़ कटते हुए देख लिए ना लोग ने आपको, भाई ये अंकल अपनी सींग मारेंगे आपको। तो कोई भी आदिवासी के सामने आपने नेचर को हर्ट करने की कोशिश की है, मतलब आप खत्म। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। देखो इन लोग ने जो भी चीज पहने हैं, कोई भी ऐसा हाई फाई नहीं है, आपको देख के लग रहा है, दे लोग सब क्या कर रहे हैं, नेचर से बनाए हुए कपड़े पहनते हैं। अरे भाई लोग का कपड़ा पत्तों का होता है, हेलमेट इन लोग ने जो बनाए होते हैं वो कोई एनिमल के दांतों से या तो फिर कोई पेड़ के ब्रांच से बनाए हुए होते हैं, है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। लोग का घर जो होता है, लोग का घर भी सीमेंट का नहीं होता, इन लोग का घर भी कोई पीओपी प्लास्टर्स का नहीं होता, बांबू का होता है। यानी कि पूरी की पूरी जिंदगी जहां पे रह रहे हैं, खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सब चीज में लोग अपना नेचर एलिमेंट इंक्लूड करते हैं। और ऐसे लोगों के घर में जाके आप उनका अगर नेचर बर्बाद करोगे तो भाई इंसर्जेंसी होगी। इंसर्जेंसी यानी लोग लड़ेंगे, और लड़ेंगे जब तक, लड़ेंगे जब तक इन लोग का राइट ना मिल जाए, और राइट नहीं मिलता है तो लोग की जान चली जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। पढ़ाई होती है बेसिक लेवल पे होती है, बट अपना जो लेवल है सिटीज का, प्राइवेट एजुकेशन लेना, फिर दम जॉब्स करना, सेले बड़ी बड़ी कंपनी में जाना, वो लेवल का नहीं होता है। हाँ बहुत सारे लोग उधर के होते हैं जो इधर आते हैं, है ना, मुंबई आते हैं, दिल्ली आते हैं, बेंगलोर, पुणे, पुणे मतलब ये सब जगह में जाके पढ़ाई करते हैं। देखो ये अंकल ने सर में इतना बड़ा पगड़ी, क्या बोलेगे इनको, बाने हैं, सब कुछ इन्होंने जो कपड़े पहने हैं सब कुछ नेचर के एलिमेंट से बना हुआ है। तो इन लोग के सामने जाके आपने नेचर को कट करे भाई, लोग ऐसा सिर्फ हिलेंगे, लोग के सर की आपको तलवार लग जाएगी और भागे। देखो यहाँ पे देख रहे हो कितनी शांति पूर्वक जिंदगी, मैं आपको थीम महसूस करा रही हूँ कि ममंग दाई कैसे एरिया से बिलोंग करती है, तो ही आप इस पोयम की गहराई में जा पाओगे, वरना तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, देखो ये आंटी यहाँ पे रहती है जहां पे दूर दूर तक कोई बिल्डिंग नहीं है, दूर दूर तक कोई कार नहीं है, बाइक नहीं है, कुछ नहीं है, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ क्या है, नेचर। नेचर में बहुत सारे एलिमेंट है, अपनी ग्रीनरी, ट्रीज, रिवर, एनिमल, इंसेक्ट्स, बर्ड, स्काई, हवा, ये सारे नेचर के एलिमेंट के बीच में लोग रह के अपनी जिंदगी बिताते हैं, भगवान मानते हैं। ठीक है, चलो अब ऐसे लोगों को आप
उठा के हमारे जो शहर के इलाके हैं जहाँ पे कंजस्टेड कंजस्टेड, अरे भाई हर एक मीटर में सब बिल्डिंग, हॉस्पिटल, एजुकेशन, पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी सब बिखरा हुआ है, सेग्रीगेटेड पूरा है। ऐसे लोग को इधर पे आकर डाल दोगे ना, ऐसे लोगों को जो नेचर में रहते हैं, अचानक से उन लोग को आप उन लोग का घर छीन के हमारे सिटीज में डालोगे ना, एक एक वीक भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे वो लोग, ठीक है, एक हफ्ता भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ऐसी जिंदगी इन लोग को डालोगे। क्योंकि देखो हम जहाँ पे रहते हैं सिटीज में, तो अगर आपको कोई गांव के इलाके में डाल देगा तो आपके लिए वो नहीं होगा सही, क्योंकि आप बोलोगे कि मैं गांव में क्या करूंगा, मुझे तो मोबाइल चाहिए, मुझे नेटवर्क चाहिए, वाईफाई चाहिए, मुझे पढ़ाई करना है, मैं यहाँ पे गाँव में क्या करूंगा। तो आपके लिए भी उतना ही मुश्किल है ना, कि आप एक शहर से आपको अगर कोई गांव में डालेगा तो आपके लिए मुश्किल है। उसी प्रकार से अगर हम इनको उठा के शहर में डालेंगे, ऐसे एरिया में जहाँ पे हर एक मीटर में पीप और शोर शराबा और कंजस्टेड लाइफ है, बहुत सारा होता है ना, वैसी लाइफ लोग नहीं जी पाएंगे। देखो ऐसी लाइफ लोग जी पाएंगे? बिल्कुल नहीं जी पाएंगे। कहाँ वो लोग पीसफुल जिंदगी जी रहे थे, फ्रेश हवाओं में सांस ले रहे थे, हिमालय का ठंडी ठंडी हवा महसूस कर रहे थे, अचानक से इधर पॉल्यूशन में आ जाएंगे, गाड़ी के पीपा सुनेंगे, भाई एक हफ्ते में लोग की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ज्यादा, कि इस पोयम में नॉर्थ ईस्ट के जो भी लोग हैं वो लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो लोग का नेचर काट के क्या क्या हो रहा है, वो सब अपने को इसमें देखना है। बस यहाँ तक कि मैं आपको थीम बता दी हूँ, अभी हम जाते हैं आगे और जल्दी से पोयम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। वो स्टार्ट करने से पहले सिर्फ दो चीज याद रखो कि ममंग दाई जो अपनी है, ठीक है, इस पोयम की पोएटेस, इनको पद्मश्री का भी अवार्ड दिया गया है, साहित्य अकेडमी का भी अवार्ड दिया गया है। क्यों? बिकॉज ये बहुत ही अवेयर लोगों को करती है छोटे छोटे मामलों को लेकर। याद रखना ये एक आईएएस ऑफिसर भी रह चुकी थी ईटानगर में की, लेकिन इन्होंने रिजाइन कर दिया था और फिर लोगों को अवेयर करने के लिए दूसरे सोशल वर्क में लग गई थी, ठीक है। चलो आई होप आपको पोयम का थीम अच्छे से समझ में आ चुका है। तो पोयम के अंदर जो भी बातें कही गई है ये किससे रिलेट होने वाली है? ट्राइबल पीपल जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहते हैं, यानी पहाड़ों में रहते हैं, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, अब आपको समझ में आएगा, अब मुझे ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं पड़ेगा कि आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। 3, 2, 1, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन इज स्टार्टिंग। क्या है? स्मॉल टाउन्स ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ डेथ, पहली लाइन पोयम की खतरनाक। ये जो स्मॉल स्मॉल टाउन है ना, ये मुझे डेथ की याद दिलाते हैं। कैसे? आप ही सोचो। स्मॉल टाउन मुझे डेथ की याद दिलाते हैं। यहाँ पे एक और बिलीव आपको जानना पड़ेगा, मैं एक और चीज आपको बताती हूँ कि ना ये ट्राइबल लोग देखो अपने से अलग चीजों को बहुत बिलीव करते हैं। पहले तो मैंने क्या बोली कि लोग नेचर को भगवान मानते हैं, ठीक है। दूसरा ये लोग क्या मानते हैं पता है? एक और चीज क्या मानते हैं कि कोई भी इंसान की डेथ हो जाती है, वो लोग के बिलव्ड वन की अगर डेथ हो गई तो उस इंसान की जो आत्मा होगी, उस इंसान का जो सोल होगा, वो कहाँ पे जाके बस जाएगा? कोई भी नेचर के एलिमेंट में, पेड़ में, रिवर में, सन में, मून में, ऐसा लोग मानते हैं। सुनो गौर से क्या बोल रही है, कि ट्राइबल लोग ये बिलीव करते हैं कि वहां के लोगों की अगर डेथ होती है, जिसकी भी डेथ हुई है, उसकी आत्मा किधर जाके बस जाएगी? कोई भी नेचर के एलिमेंट में। अब नेचर को आप कट करोगे, वहां के कोई भी नेचर को कट करोगे, यानी उस वो नेचर में जो बसी हुई आत्मा थी उसको भी आपने खत्म कर दिया। नेचर को कट करके हम क्या बना रहे हैं? टाउन्स बना रहे हैं ना, शहर बना रहे हैं, सिटीज बना रहे हैं। तो पोएट यही बोल रही है कि ये जो टाउन्स बन रहे हैं हमारे नेचर को कट करके, ये मुझे क्या याद दिलाते हैं? डेथ याद दिलाते हैं। डेथ क्यों? बिकॉज हमारे लोगों की जान नेचर में बसती है और आप नेचर को काट रहे हो, यानी उनकी डेथ कर रहे हो, समझे? तो ये पहली लाइन बहुत ही इनडायरेक्ट थी, मैंने आपको पूरा का पूरा बता दी, उसके पीछे का बिलीव इसमें छुपा हुआ है, बिलीव छुपा हुआ है। कौन सा बिलीव? उन लोग ये मानते हैं कि कोई भी इंसान की डेथ हुई तो उसकी आत्मा नेचर के एलिमेंट में जाके बसती है। गवर्नमेंट जो है नेचर को काट रही है, यानी कि
उस लोगों की आत्मा को वहां से खत्म कर रही है, ऐसा मानते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या ममंग दाई बोल रही है, माई होम टाउन लाइज कामली अमिस्ट द ट्री। वो बोल रही है मेरा जो घर है वो शांतिपूर्वक यानी कामली कहाँ पे बसा हुआ है, बहुत सारे पेड़ों के बीच में। अमिस्ट मतलब बीच में, माई होम टाउन यानी मैं जहां पे रहती हूं, मेरा जो घर है वो किधर है, बहुत सारे पेड़ों के बीच में मेरा घर बसा हुआ है। पेड़ों के बीच में घर बसा हुआ है इसका मतलब ये हुआ ना कि वहां पे बहुत फ्रेश फ्रेश हवा चलती होगी। सब यही सोचेंगे कि मेरा घर तो पेड़ों के बीच में है तो कितनी ऑक्सीजन हमारे घर में आती होगी, कितनी फ्रेश हवा आती होगी। बट ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है हम पढ़ेंगे, देखो क्या बोल रही है, मेरा घर जो है बहुत सारे पेड़ों के अमिस्ट बीच में शांतिपूर्वक बसा हुआ है, और मेरा घर जो है हमेशा सेम रहता है, इट इज ऑलवेज द सेम इन समर और विंटर, सर्दी का मौसम हो गर्मी का मौसम हो हमेशा रहता है। बट विद द डस्ट फ्लाइंग, अरे यार ये ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो बोल रहे हैं कि आपका घर अगर ग्रीनरी के बीच में है तो यहाँ पे फ्रेश हवा आनी चाहिए, बट यहाँ पे राइटर बोल रही है कि मेरे घर में क्या उड़ता है, डस्ट उड़ता है यानी धूल उड़ती है। ऐसे कैसे, कब से पेड़ से ऑक्सीजन के बदले धूल आने लगी, दिमाग लगाओ। वही यार डिफोरेस्टेशन, वो बोलना चाह रही है कि मेरे घर के आसपास बहुत सारे ट्री है जिसको काटा जा रहा है, काटने के लिए बुलडोजर लगते हैं, मशीन्स लगती है, और जब पेड़ कटते हैं गिरते हैं तो धुआं धुआं हो जाता है, यानी कि ये जो मेरा घर है जिसके आसपास ट्री है उसकी कुछ ऐसी हालत हो रही है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। समझ में आया आप लोगों को क्या बोलना चाह रही है इस पोयम की पोएटिस ममंग दाई? यस एब्सोल्युटली करेक्ट मुस्कान, बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, देखो क्या बोल रही है, स्मॉल टाउन्स जो है मुझे डेथ की याद दिलाते हैं, मेरा जो घर है वो शांतिपूर्वक पेड़ों के बीच में बसा हुआ है, हमेशा वो सेम रहता है, यानी कि मैं वहां से हटने नहीं मिली, मैं वहीं पे मेरा घर बसा के रखूंगी। बट मेरे घर के आसपास क्या है, बहुत सारे धूल धक्कड़ है, इसके पीछे का रीजन आपको क्या लिखना है, बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन की वजह से धूल है। और द विंड हाउलिंग डाउन द गॉर्ज, देखो क्या बोल रहे हैं, हाउलिंग मतलब क्या, जोर जोर की आवाज साउंड, और गॉर्ज मतलब क्या होता है, वैली। देखो ये डिफॉरेस्टेशन, उनके घर के आसपास लोग आ रहे हैं डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटना। ठीक है, वैली, वैली मतलब क्या होता है, गॉर्ज जो वर्ड आपके टेक्स्ट बुक में यूज किया गया है GORGE, दो पहाड़ों के बीच में से जो नदी जाती है उसको हम बोलते हैं गॉर्ज। ठीक है, दो पहाड़ जो दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये पहला पहाड़ ये दूसरा पहाड़, इसके बीच में जो नदी जा रही है, वैली, नदी नहीं बोलेगा सॉरी, वैली जो हल्का हल्का सा पानी जाता है उसको हम बोलते हैं वैली या तो गॉर्ज। ठीक है, तो उसमें से बहुत आवाजें आती है हवाओं की, यहाँ पे ये ऐसा बोल रहे हैं, बस थीम बता रहे हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा, मैं आपको महसूस कराने की कोशिश कर रही हूँ, पूरा एनवायरनमेंट थीम नेचर वहां के लोगों को दिखा रही हूँ ताकि आप महसूस करो पोयम को। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ क्या है, देखो सेकंड पैराग्राफ क्या बोलता है, जस्ट द अदर डे समवन डाइड इन द ड्रेडफुल साइलेंस वी वेप्ट लुकिंग एट द सैड ब्रेथ ऑफ ट्यूबर रोसेस, लाइफ एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ, ओनली द रिचुअल्स आर परमानेंट। अब भाई गौर से सुनो, सेकंड पैराग्राफ को एकदम डीपली समझो, मैंने क्या बोली, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आपने न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो तो सबसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट की सबसे टॉप न्यूज हमेशा ये होती है, इंसर्जेंसी इंसर्जेंसी, गवर्नमेंट और वहां के लोग लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, गवर्नमेंट चाहती कि डेवलपमेंट हो, प्रोजेक्ट्स बने, रिसोर्स की कमी है इंडिया में, है ना, बहुत सारे हमको रिसोर्सेस चाहिए, वहां पे तो नेचर है बहुत सारा, तो गवर्नमेंट जाती है उधर, लोग का नेचर कट करती है, वहां की रिसोर्सेस लेने की कोशिश करती है, वहां के लोग नहीं मानते हैं, झगड़ा लड़ाई होता है, तो झगड़ा लड़ाई होगा तो क्या होगा, मैंने बताई थी डेथ होगी, राइट। तो क्या बोलती है, जस्ट द अदर डे समवन डाइड, यानी गवर्नमेंट से लड़ने के लिए हम जब
लड़ते हैं तो डेथ हो जाती है। गवर्नमेंट जबरदस्ती हम पे कर्फ्यू लगाती है। गवर्नमेंट ने अगर आपको क्या बोल दी कि ये एरिया में कर्फ्यू है, अगर आप उतर गए नीचे तो आपको पता है फिर क्या होता है, हमने देखे लॉकडाउन में क्या हालत होती है ना, डंडे पड़ते वो तो है, फिर बाद में पुलिस स्टेशन जाओ कार्रवाई होगी वो सब अलग। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि किसी के जब डेथ हो जाती है लड़ाई के चक्कर में गवर्नमेंट से, तो हमको कैसे रोना पड़ता है, वेप्ट। वेप्ट मतलब क्या, रोना, साइलेंट, ड्रेडफुल साइलेंट, ड्रेडफुल यानी भयानक साइलेंस में हम रोते हैं क्योंकि हमारे एरिया में कर्फ्यू लगा दिया जाता है, हमको घर से बाहर निकलने के लिए मना कर देते हैं और हमारे आसपास की ग्रीनरी को, हमारे आसपास के रिसोर्स को कट करके वो लोग लेके जाते हैं और हमारे लोग मर गए हैं, उनको उनकी डेथ हो चुकी है। तो हम जब रोते हैं तो पीसफुल साइलेंस नहीं होता है उधर पर, ड्रेडफुल होता है। आप वैसा माहौल है ना, कर्फ्यू है, डेथ हो गई है, हम रो रहे हैं, तो बहुत ही भयानक वो वहां का सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे पोएटिस बोल रही है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, नहीं आ रहा है फिर से बताऊं? चलो फिर से बता दे। सेकंड पैराग्राफ में पोएटिस ये बोल रही है कि जब हम नेचर को बचाने के लिए गवर्नमेंट से लड़ते हैं तो बहुत से लोगों की, हमारी जान चले जाती है। जो भी लोगों की अब जान चले गई उसके लिए जब हम रोते हैं, व्यक्त करते हैं, तो वहां का जो सीन होता है वो बहुत ही ड्रेडफुल साइलेंस होता है, यानी हम अच्छे से रिचुअल को निभा भी नहीं पाते बिकॉज जिस तरीके से हम पे कर्फ्यू लगाया जाता है, घर पे बंद हमको वो कर देते हैं, ऑर्डर दे देते हैं और हमारे आसपास के रिसोर्स को हटाते हैं। ठीक है, और फिर लुकिंग एट द सैड वृथ ऑफ ट्यूबर रोसेस। ट्यूबर रोसेस अपना क्या होता है, रजनीगंधा फूल, आपको पता है। ठीक है, उसका जब हम ऐसा डेकोरेशन करते हैं, सब माला बनाते हैं ना, तो उसको हम व्रत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्रत। ठीक है, तो व्रत किसका? ट्यूबर रोसेस का, रजनीगंधा जो फूल है वो किस पे रखते हैं, जो जिस इंसान की डेथ हो चुकी है। ठीक है, व्रत ऑफ ट्यूबर रोसेस को देखते हुए हम बहुत रोते हैं और आसपास का माहौल बड़ा ही भयानक है, हमसे जबरदस्ती हमको लड़वा के हमारा नेचर लिया जाता है। ठीक है, ऐसा लगता है बस लाइफ है डेथ है, लाइफ है डेथ है, ये तो बड़ा ही, एक मिनट, लाइफ एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ, ओनली द रिचुअल्स आर परमानेंट। हम, मैंने क्या बोली थी, वहां के लोग अपने रिचुअल, कल्चर, रिलीजन, सेंटिमेंट पे बहुत ही अटैच रहते हैं, तो वही बुद्ध बोल रही है कि हमारा रिचुअल परमानेंट है, रिचुअल परमानेंट है हमारे लिए, लाइफ और डेथ भले ही टेम्पररी है बट रिचुअल हमारे लिए हमेशा परमानेंट रहेगा, बस इतनी बात इधर पे है। चलो आगे बढ़ जाते हैं पैराग्राफ की थर्ड लाइन, सॉरी पोयम का थर्ड पैराग्राफ। पोयम का थर्ड पैराग्राफ क्या है, जैसे कि आपकी पोयम की नाम है स्मॉल टाउन्स एंड रिवर, पोयम का नाम क्या है, स्मॉल टाउन एंड रिवर। तो यहाँ पे नेचर के कौन से एलिमेंट को सबसे ज्यादा फोकस किया गया है? नेचर में तो सन है, मून है, हवा है, ट्री है, रिवर है, ओशन है, सब कुछ है, बट यहाँ पे अपनी इस पोयम में नेचर के सिर्फ एक एलिमेंट पे फोकस किया गया है और वो है रिवर, नदी। ठीक है, स्मॉल शहर और नदी। ठीक है, तो अब नदी के बारे में राइटर कुछ बोल रही है, राइटर मतलब समझ जाओ पोएटिस, कुछ बोल रही है। क्या बोल रही है? वो ये बोल रही है कि ये जो रिवर होती है ना, इसके अंदर आत्मा होती है। द रिवर हैज अ सोल। मैं बताई थी कि लोग बड़े खतरनाक होते हैं नेचर में, भगवान, सोल, आत्मा, सम्मान। कैसे आप बोलोगे, हाउ, रिवर के अंदर सोल है, यानी कि रिवर एक ह्यूमन भी मतलब लिविंग थिंग है, ऐसा वो मानती है, वहां के लोग मानते हैं। कैसे? देखो वो बोल रही है, इन द समर इट कट थ्रू द लैंड लाइक अ टॉरेंट ऑफ ग्रीफ। वो बोल रही है समर में कट थ्रू, यहाँ पे मतलब क्या, फ्लो यानी बहना, रिवर जो है गर्मी के मौसम में बहती है किधर से, वही लैंड के बीच में से होते हुए एकदम टॉरेंट में, टॉरेंट मतलब क्या, एकदम फास्ट स्पीड में, एकदम स्ट्रॉन्ग पावरफुल स्पीड में जब वाटर बहता है, पानी बहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टॉरेंट। तो ऐसा लगता है जैसे कि रिवर बहुत ही ज्यादा उदास है, बहुत ही ज्यादा ग्रीफ है। क्या बोल रही है पोएटेस? कि रिवर के अंदर एक सोल है, मुझे ऐसा लगता है कि वो एकदम उदास होके जोर जोर से बहती है। क्यों उदास है रिवर? वाई रिवर
उदास क्यों है? उसका रीजन इधर पे देखो, समटाइम्स आई थिंक इट होल्ड्स इट्स ब्रीथ सीकिंग अ लैंड ऑफ फिश एंड स्टार। क्या बोल रही है? क्योंकि ये जो रिवर है इसको इतना पोल्यूटेड करके रखे है हमने कि वो तरस गई है कि मैं एक रिवर हूं, मेरे अंदर मछली होने चाहिए, मैं एक रिवर हूं, मुझे इतना साफ होना चाहिए कि रात में चार तारे जब चमके तो वो नदी में रिफ्लेक्ट हो। ये तो दूर दूर तक कुछ है ही नहीं, मुझे क्या बना के रखे है भाई, मेरे अंदर ना मछली है ना तारे चमक रहे। तो एकदम उदास है रिवर, एकदम उदास है, और वो एकदम जोर जोर से बहती है, जोर जोर से बहती है इन द सेंस वो फ्लड के तौर पे, सुनामी के तौर पे, बाढ़ के तौर पे हम पे आके हमला करती है, बिकॉज हमने भी तो उसको उतनी ही चोट पहुंचाए है, राइट? तो यहाँ पे बोल रहे हैं देखो, रिवर की हालत तो खराब हो चुकी है, पूरा पॉल्यूशन, गंदगी सब, हमको कचरे का डब्बा तो मिलता नहीं है, हम जाके रिवर में ही हम डालते हैं ना, वही हमारा सबसे बेस्ट डस्टबिन बन गया है। तो उसकी हालत ऐसी हो चुकी है, जब रात में तारे चमकते हैं वो उसी नदी में चमकेगे, जो नदी साफ होगी, वो नदी का पानी खुद काला हो गया है, वो नदी का पानी में खुद कचरे भरे हुए हैं, तो रात में जब तारे चमकेगे तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ऐसा सीन जो यहाँ पे मैंने लगाई हूँ, ऐसा सीन होगा ही नहीं। तो ये सीन के लिए जो है रिवर तरस गई है, नदी तरस गई है, समझे? आपको समझ में आ रहा है डीप मीनिंग क्या बताने की कोशिश यहाँ पे पोएटिस कर रही है? ठीक है, तो थर्ड पैराग्राफ में राइटर क्या बोल रही है, रिवर के अंदर भाई आत्मा है, वो रिवर एक लिविंग थिंग है, हम उसके साथ बुरा कर रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं, वो फिश के लिए, तारों के लिए तरस गई है और वो उदास है, इसलिए टॉरेंट बन के, टॉरेंट एकदम स्ट्रॉन्ग पावरफुल होके बहती है, फ्लड सुनामी के तौर पे हम पे आती है बदला लेने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। एक और चीज प्रूफ करती है, रीजन देकर ये प्रूफ करती है कि सच में रिवर के अंदर सोल है। देखो नेक्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन फिर से सेम है, द रिवर हैज अ सोल। बोल रही है कि रिवर में सच में सोल है, और ये बात को प्रूफ करने के लिए वो क्या रीजन दे रही है, इट नोज स्ट्रेचिंग पास द टाउन फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन टू ड्राई अर्थ एंड मिस्ट ऑन द माउंटेन टॉप्स, द रिवर नोज द इमोर्टेलिटी ऑफ वॉटर। रिवर एक, रिवर के अंदर सोल है, वो एक लिविंग थिंग है। ये बात को प्रूफ करने के लिए पोएटिस ममंगदाई बोलती है कि रिवर को पता है कि मेरे अंदर जो पानी है, मेरे अंदर जो पानी बहता है, नदी के अंदर जो पानी बहता है वो इमोर्टल है। इमोर्टल, इमोर्टल का मतलब क्या होता है, डेथलेस। डेथलेस यानी कि जो कभी मर नहीं सकता। रिवर को पता है कि मेरे अंदर ऐसा पानी है जिसकी डेथ कभी हो ही नहीं सकती, बिकॉज वो एक पैटर्न, वो एक साइकिल फॉलो करता है। आप बोलोगे कैसा साइकिल, आप अगर साइंस पढ़े होगे बचपन में तो आपको पता होगा, पानी आता है, इवेपोरेट होता है, बादल बनते हैं, बारिश होती है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मैं आपको सिंपल भाषा में बताती हूँ। सबसे पहले पानी जो है, हमारे जो बड़े बड़े पहाड़ है, हिमालय ऐसा इमेजिन करो, तो उसके ऊपर जो बर्फ जमी होती है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक पहाड़ है, इसके ऊपर जो बर्फ जमी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, पहाड़ के ऊपर, माउंटेन के ऊपर जो भी बर्फ जमी होती है उसको हम बोलते हैं ग्लेशियर्स। गर्मी की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से एटमॉस्फियर में गर्माहट होती है और ये बर्फ क्या होते हैं, पिघलते हैं। ये गर्फ बर्फ जो है पिघल जाते हैं और फिर पानी बन के रिवर बन जाते हैं, पानी बन के रिवर बन जाते हैं, ऐसा पानी बन के अपने रिवर बन गए। ठीक है, अब क्या होता है, ऊपर तो गर्मी थी, क्लाइमेट चेंज हुआ, नीचे भी छोड़ नहीं रही है पब्लिक, नीचे भी गर्मी है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, रिवर जो है गर्माहट की वजह से इवोपरेट होती है, इवोपरेट मिस्ट बनता है उसका, राइट? मिस्ट बनता है, मिस्ट मतलब क्या, पानी की बूंदों से बादल बनना, पानी की बूंद से जो बादल बनते हैं उसको हम मिस्ट बोलते हैं, वो मिस्ट बन जाता है, राइट?
मिस्ट बन जाता है, यानी बादल, ये बारिश वाला बादल बन जाता है और फिर बारिश होने लगती है। फिर बारिश होती है, फिर बारिश का पानी जो है वो रिवर के अंदर जमा हो जाता है, ठीक है। और फिर क्या होगा, सेम चीज होगी, क्या सेम चीज होगी, फिर से इवोपरेशन होगा, फिर बादल बनेगा, बारिश होगी। तो यहाँ पे जो साइकिल है वो सेम फॉलो होने वाला है, ये सिलसिला चलता रहेगा चलता रहेगा। ये बात क्या है, रिवर को पता है कि मेरे अंदर जो पानी है वो इमोर्टल है। सबसे पहले वो ग्लेशियर से आएगा, पिघल के नदी बन के बहेगा, ठीक है। फिर मिस्ट बन जाएगा उसका, यानी बादल बन जाएगा इवोपरेशन की वजह से। जैसे ही वो बादल बनेगा उसमें से पानी निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ रेन। जैसे ही बारिश होगी वो सारा पानी जो है आधा तो जमीन एब्जॉर्ब कर लेगी और आधा जो है फिर से रिवर में भर जाएगा, और फिर से इवोपरेशन होगा, फिर से क्लाउड बनेगा, फिर से रेन बनेगा, फिर से फ्लो होगा, ठीक है। तो ये वाली बात यहाँ पे आपकी लिखी गई है। रिवर क्या बोलती है कि मेरे अंदर जो पानी है वो इमोर्टल है। इमोर्टल मैंने आपको पीछे का पूरा फिलोसॉफी समझा दी। अब यहाँ पे क्या लिखा है, देखो, इट नोज स्ट्रेचिंग फ्रॉम द टाउन, यानी वही रिवर बनता है और उसका लास्ट में रेन बनता है, ड्राई अर्थ में जाता है, मिस्ट बनता है माउंटेन टॉप्स में, माउंटेन टॉप यानी पहाड़ों के ऊपर, ठीक है। ये बात पता है। तो ये दो बातें राइटर ने इधर पे लिखी है क्या प्रूफ करने के लिए, ये प्रूफ करने के लिए कि रिवर हैज अ सोल, रिवर हैज अ सोल। तो दो रीजन क्या है, पहला रीजन ये है कि हम पॉल्यूशन कर रहे हैं उसका बदला लेने के लिए वो टॉरेंट यानी कि फ्लड ये सब करती है। दूसरा रीजन ये है कि लाइफ साइकिल वाटर का परमानेंट है, चलता रहता है, जो हमने देखी। अब लास्ट पैराग्राफ इस पोयम का क्या है, जल्द लास्ट पैराग्राफ, सेकंड लास्ट पैराग्राफ, जल्दी से आ जाओ, बस हो गई पोयम खत्म। लास्ट ओके, वाईफाई चले गया था बीच में, मैं जो है पूरा पैराग्राफ समझा दी और बाद में देखी, अरे भाई वीडियो बंद हो गई थी। चलो कोई बात नहीं, फिर आ गया वाईफाई, वो बात अलग है। स्टार्ट करते हैं जल्दी से, हमारा बस सेकंड लास्ट पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में पोएटिस हमको क्या बोल रही है कि अभी प्रेजेंट मोमेंट, आ जाओ आ जाओ, चलो हो गया, बस हो गई पोयम खत्म। क्या है, देखो क्या बोल रही है कि प्रेजेंट मोमेंट में तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से गवर्नमेंट हमारा हाल खराब कर रही है, वहां के लोगों का। तो इसलिए पुराने टाइम को याद करने के लिए मैं क्या देखती हूँ, मैं श्राइन्स देखती हूँ, मैं श्राइन्स देखती हूँ। श्राइन मतलब वो सारी चीजें होती है जिसको हम रिमेम्बर करने के लिए बनाते हैं, ठीक है। कोई भी मूर्ति हो गई, ठीक है, किसी की याद में हमने मूर्ति बना दी, अगर उसकी याद आ रही है तो मूर्ति देख लेंगे। कोई भी मॉन्यूमेंट जैसा हम बनाते हैं ताकि उस जमाने का वो फील आए। तो पोएटिस यही बोल रही है कि पहले जमाने में कितना अच्छा था, हम नेचर को आंच भी आने नहीं देते थे। तो उस जमाने को याद करने के लिए मैं श्राइन को देखती हूँ, बिकॉज आज मैं जहां भी देखती हूँ मुझे बस डिफॉरेस्टेशन दिखता है, इसलिए मैं श्राइन को देखती हूँ। और अपने पुराने दिन, देखो अ श्राइन ऑफ हैप्पी पिक्चर, पुराने अच्छे अच्छे दिन को याद करने के लिए अपने बचपन के देश देखती हूँ, रिमेम्बर करती हूँ। क्या बोल रही है उसके बाद, स्मॉल टाउन्स ग्रो विथ एंजाइटी फॉर द फ्यूचर। स्मॉल टाउन्स यानी शहर, शहर ग्रो तो आप कर लोगे, डेवलप तो कर लोगे, बना तो लोगे, लेकिन फ्यूचर के लिए वो बहुत ही ज्यादा एंजाइटी क्रिएट करने वाला है। एंजाइटी मतलब क्या होता है कि बहुत सारा आपको प्रॉब्लम, बहुत सारी डिसऑर्डर्स, बहुत सारी थकान, टायर्डनेस, ये सब फील होने लगता है, ठीक है। अगर आप ऐसे बहुत से कंजस्टेड एरिया में अगर रहने लगते हो बहुत ज्यादा टाइम तक नेचर से दूर, तो ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी फ्यूचर्स में। और आप सबको पता है भाई ये सब प्रॉब्लम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है ना। तो ये सब यहाँ पे बोल रहे कि भाई आप स्मॉल टाउन्स बना तो लोगे नेचर को बर्बाद करके, नेचर को डिस्ट्रक्ट करके, बट हाँ फ्यूचर में एंजाइटी वाली प्रॉब्लम को फेस करने के लिए भी रेडी रहना। द डेथ आर प्लेस्ड पॉइंटिंग वेस्ट, वेन द सोल राइजेस इट विल वॉक इन टू द गोल्डन ईस्ट, इन टू द हाउस ऑफ द सन। अब यहाँ पे ना इनकी बात को समझने के लिए एक चीज बतानी पड़ेगी आप लोगों को। स्क्रीन कहाँ गया, देखो
क्या बोल रही है कि हम जो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये क्या बोल रही है, हम तो ये मानते थे कि हमारे लोगों की डेथ हो जाती है तो वो किधर पे जाके बस जाती है, नेचर में। अब आप लोग जो है नेचर को कट कर रहे हो, है ना, आप लोग जो है हमारे नेचर को कट कर रहे हो, यानी हमारे इंसान की भी सोल को खत्म कर रहे हो। तो हमारा एक और मानना है, सन को तो आप कट नहीं कर सकते, सन को तो आप बर्बाद नहीं कर सकते, है ना, क्या काट लोगे, पेड़ पौधे माउंटेन रिवर ये सबको खत्म करोगे, सन को तो कभी खत्म नहीं कर सकते ना आप। तो हम क्या करेंगे, हम जो है अभी अपने जो लोग है, हमारे जो लोग है जिसका सोल हम पहले बोलते थे नेचर में बसता था, अब उसको हमको किधर भेजना पड़ेगा, उसकी सोल को हमको सन में भेजना पड़ेगा, बिकॉज सन को छोड़ के तो बाकी सारे एलिमेंट को आप बर्बाद कर रहे हो, बाकी सारे नेचर को बर्बाद कर रहे हो। तो यहाँ पे हमारा एक और फिलोसॉफी क्या है कि हम जो है जो भी इंसान की डेथ हो जाती है उसको क्या करते हैं, वेस्ट की तरफ पॉइंट करके ग्रेव करते हैं, यानी उसको सुलाते हैं, मतलब कोई इंसान की डेथ हो गई है तो उसका जो सर होगा वो वेस्ट की तरफ पॉइंटेड होगा, ठीक है, फिर उसकी आत्मा खड़ी होगी। खड़ी होगी तो कैसा खड़ी होगी भाई, पैर पे खड़ा जब ये होगा तो ईस्ट की तरफ जाएगा ना चल चल के। तो वही इधर पे बोल रहा है, इन लोग की अलग फिलोसॉफी है, हम इसमें बिलीव नहीं करते हैं बट वहां के लोग करते हैं। आपको समझ में आया क्या बोलना चाहती है, देखो मैं फिर से बताती हूँ। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डेथ जो भी इंसान की डेथ हो जाती है उसको हम वेस्ट वर्ल्ड की तरफ पॉइंट करते हैं ताकि वो जब खड़ा हो तो क्या हो, उसकी जो आत्मा है वो गोल्डन ईस्ट में जाए। गोल्डन ईस्ट मतलब क्या, सूरज, गोल्डन ईस्ट। सन किधर होता है, सन होता है ईस्ट में, तो ईस्ट में उसकी आत्मा जाए, और हाउस ऑफ द सन, हाउस ऑफ द सन अपना हेवन है, और वो हेवन में चला जाए, बिकॉज नेचर के बाकी सारे एलिमेंट को तो आपने क्या कर दिए हो, डिस्ट्रक्ट कर दिए हो। कम से कम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट में क्या है, सन, सन को तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। तो हम क्या करेंगे, हम जो है अपने इंसान की जो डेथ हो चुकी है उसको ऐसा लेटाएंगे कि जब वो खड़ा होगा, वेस्ट की तरफ इसका सर पॉइंट है, ऐसा देखो उल्टा है, जैसे ये पैर के बल खड़ा होगा तो किधर पे वॉक करेगा, ईस्ट की तरफ वॉक करेगा, है ना। ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट में सन होता है, तो सन में उसकी आत्मा बस जाएगी और वो क्या करेगा, हेवन में चले जाएगा। तो ये वहां के लोगों का बिलीव होता है, इतना लोग स्ट्रॉन्ग एलिमेंट नेचर को अटैचमेंट लगाते हैं कि क्या बात है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, देखो इट विल वॉक इनटू द गोल्डन ईस्ट, गोल्डन ईस्ट इधर पे क्या है, सन, एंड इनटू द हाउस ऑफ सन क्या है, हेवन। समझ में आ गया क्या, बताओ, अगर मैं आपको ये नहीं समझाती तो समझता आपको, नहीं समझता ना, बताओ समझ गया। अभी लास्ट पैराग्राफ जल्दी से, ये फिर पोयम समाप्त हो जाएगी, क्या है, इनटू द कूल बाम्बू रिस्टोर्ड इन सनलाइट लाइफ मैटर्स लाइक दिस। क्या बोल रहे हैं, मैंने आपको क्या बताई थी कि वो लोग जहाँ रहते हैं वहां का घर सीमेंट का नहीं बना होता, वो लोग का घर जो है वो बना होता है बाम्बू से, ठीक है, देखो ये घर बाम्बू बाम्बू है, सीमेंट के घर में रोशनी नहीं आती है। हाँ आपने अगर विंडो बनाए हो, एक होल बनाई हो तो वहां से रोशनी आएगी, बट अगर आपका घर पूरा का पूरा सीमेंट से बना हुआ है तो रोशनी आने का, अपना सनलाइट आने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन जब घर बाम्बू का बना हुआ होता है तो बाम्बू के बीच में जो गैप हो जाते हैं उसकी वजह से घर में सनलाइट आती है, ये जैसा आपको इधर पे दिख रहा है, देखो ये जो लेडी इधर पे बैठी हुई है, इनका जो पूरा घर है, ये जमीन है, यहाँ पे पूरा का पूरा किससे बना हुआ है, बाम्बू से बना हुआ है। तो जब दोपहर होगी तो उनके घर में ऑटोमेटिकली सनलाइट बाहर से अंदर आएगी। तो ये यहाँ पे क्या बोल रही है कि हम जो है अपने कूल बाम्बू में ही रहना चाहते हैं, हमको सीमेंट के घर नहीं चाहिए, हम अपने कूल बाम्बू में ही रहना चाहते हैं जहां पे सनलाइट रिस्टोर होती है, सनलाइट आती है, और ऐसे ही जिंदगी मैटर करती है, ऐसे ही जिंदगी मैटर करती है, इन द सेंस ऐसी जिंदगी जो नेचर से क्लोज है कि बाम्बू के घर में है, बाहर से सनलाइट आ रही है ना, एनिमल्स के बर्ड्स की आवाज आ रही है, वहां से हवाएं चल रही है, मतलब नेचर्स के एलिमेंट के बीच में रहकर ही लाइफ जो है वो एक्चुअल में मैटर करती है, और एक्चुअल में लाइफ लाइक दिस इसी तरीके से होनी चाहिए, ऐसा
ममंगदाई बोल रही है, यानी इनडायरेक्टली वो कन्विंस कर रही, मतलब इन द सेंस वो अवेयर कर रही है, अपील कर रही है कि प्लीज हमारे एरिया में जो भी ग्रीनरी है वो सब मत काटो, नेचर से हमको दूर मत करो, ठीक है। इन स्मॉल टाउन्स बाय द रिवर वी वॉन्ट टू वॉक विद द गॉड्स, हम जो है अपने जो आपने रिवर के आसपास स्मॉल टाउन बना के रखे हो या आपने बहुत गलत किए हो, एंड हम जो है हम क्या चाहते हैं, देखो लास्ट लाइन में उन्हें अपना बताइए, क्या बताइए, व्हाट शी वांट, व्हाट शी वांट क्या चाहती है, वो ये चाहती है कि वी वांट टू वॉक विद द गॉड, यहाँ पे गॉड कौन है उन लोग का, मैंने बताई ना नेचर, वो बोल रही है वी वॉन्ट टू वॉक विद द नेचर, वी वॉन्ट टू टॉक विद द नेचर, वी वॉन्ट टू स्टे विद द नेचर, वी वॉन्ट टू बी विद द नेचर, प्लीज इसको कट मत करो, प्लीज हमको नेचर से दूर मत करो, प्लीज इसको डिस्ट्रक्ट मत करो, डिफोरेस्टेशन मत करो, आप अगर नेचर को कट कर रहे हो तो आप हमें हमारे भगवान से छीन रहे हो, आप हमारी जिंदगी छीन रहे हो, आप हमारा वजूद छीन रहे हो, जो हम एक आदिवासी है हमारी लाइफ आप छीन रहे हो, तो ये ऐसा अपील करती है और यहाँ पे ये पोयम समाप्त हो जाती है। तो आई होप आपको ये पोयम अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये पोयम से बस हमको ये सीख मिलती है क्या, क्या कि डेवलपमेंट के चक्कर में हमको नेचर को इतना भी डिस्ट्रॉय नहीं कर देना है कि वो हम पे ही भारी पड़ जाए एट द एंड। देखो नेचर ब्यूटी इज ऑलवेज डैमेज फॉर मैन ग्रीड्स कॉल प्रोग्रेस, प्रोग्रेस के नाम पे हम नेचर को बर्बाद कर देते हैं, राइट। बट ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना कि हम प्रोग्रेस ना करें और एकदम ही नेचर का थोड़ा सा भी एलिमेंट ना ले। एक चिड़िया होती है जिसका नाम होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसा डेवलपमेंट करो जहां पे डेवलपमेंट भी हो और नेचर का भी उतना नुकसान ना हो जितना जिस एग्रेसिव वे में आजकल हो रहा है। तो क्या अपने को इससे मिलता है भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द ओनली ऑप्शन जिस पे हमको फोकस करना चाहिए और स्टार्ट हो भी चुका है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो हम सस्टेन कर पाए लॉन्ग टर्म में, जी पाए, इतना ना नेचर को खराब कर दे कि हम पे भारी पड़े और हमारी ही डेथ हो जाए, ठीक है। तो ये हमको मिलता है इस पोयम से मैसेज। अभी मैं जो है आपको एकदम शॉर्ट में फटाफट पूरी पोयम को एक बार फिर से रिवाइज कराती हूँ, ठीक है, बिकॉज मैंने बीच बीच में बहुत सारी एग्जाम्पल दी थी तो हो सकता है आप थोड़ा यहाँ वहां हो गए होगे। पोयम को 2 मिनट में फिर से पूरा रिवाइज कराती हूँ। चलो पोयम की शुरुआत इस प्रकार से हुई है, पोएटिस बोलती है ये जो छोटे छोटे शहर है मुझे डेथ की याद दिलाते हैं, क्योंकि नेचर में हमारी आत्मा बसी हुई है, आप नेचर को काट रहे हो यानी हमारी आत्मा खत्म कर रहे हो, हमारी डेथ कर रहे हो। मेरा जो घर है वो बहुत सारे ट्रीज के बीच में बसा हुआ है, वो हमेशा सेम है, वही है, सर्दी गर्मी में वहीं पर ही रहेगा, ठीक है। और मेरे घर के आसपास बहुत सारे धूल धक्कर उड़ते हैं, यानी कि डिफोरेस्टेशन मेरे घर के आसपास हो रहा है, और बहुत हवाएं चलती है जोर जोर की गॉर्ज में यानी वैली में, दो पहाड़ के बीच में जो नदी जाती है, ठीक है। मेरे घर के आसपास बहुत से लोगों की जान जाती है, जब हम रोते हैं तो बहुत ही भयानक साइलेंस में हमको रहना पड़ता है, बिकॉज हम पे जो जबरदस्ती लगाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा उसको हम झेलते हैं, कर्फ्यू जिसका नाम है, ठीक है। किसको देख के, ब्रेथ ऑफ ट्यूबर रोसेस, रजनीगंधा के फूल का माला बना के जो डेथ इंसान के ऊपर रखी गई है, इससे मुझे ये पता चलता है कि हमारे लिए रिचुअल परमानेंट है। हम जो है हम अपने रिलीजन को, रिचुअल को, इसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, लाइफ एंड डेथ ये तो टेम्पररी है, रिचुअल परमानेंट है, ठीक है। रिवर जो है उसके अंदर एक सोल है, आत्मा है, क्योंकि वो जो है जिस प्रकार से बहती है टॉरेंट स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल होके, उससे ये पता लगता है कि रिवर बहुत ही ज्यादा उदास है। वो क्यों उदास है, बिकॉज वो चाहती है कि उसके अंदर बहुत सारी फिश और बहुत सारे स्टार्स नजर आए, जो कि नहीं है, हमने उसको पोल्यूशन से खराब कर दिया है, उसकी सांस पूरी रुक चुकी है, ठीक है। दूसरा रीजन वो ये देती है कि रिवर के अंदर सोल है, वो बोलती है कि रिवर को पता है कि मेरे अंदर जो पानी बहता है वो इमोर्टल है यानी डेथलेस है, और उसका एक लाइफ पैटर्न है जो मैंने आपको समझाई थी, ग्लेशियर से पानी आता है, रिवर बनता है, ठीक है, रिवर बन के बहता है, इवोपरेट होता है, बादल बनता है, फिर बारिश होती है, और सेम प्रोसेस फिर से होता है, तो प्रोसेस चलता रहता है, यानी कि जो चीज चलती रहती, कभी डेथ नहीं होती है, उसका डेथ नहीं होता, उसको हम इमोर्टल बोलते हैं, ठीक है। बोलती है कि आज के जमाने में तो इतना डिफोरेस्टेशन हो रहा है, इसलिए मैं पुराने जमाने को याद करती हूँ अपने आप को खुश करने के लिए,
याद रखना, स्मॉल टाउन ग्रो तो हो जाएंगे आप, शहर प्रोग्रेस डेवलपमेंट कर तो लोगे, लेकिन फ्यूचर में एनजाइटी आपको फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, आप लोग ने सारी के सारे नेचर के एलिमेंट को बर्बाद कर दिए हो, लेकिन सन को तो कुछ नहीं कर सकते ना, उतना ऊपर जाके क्या ही करोगे, उसके पास जाओगे तो हम खुद ही जल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो लॉजिक था क्या कि हमारी जो लोग होते हैं उसकी डेथ होती है तो नेचर के एलिमेंट में, तो अभी हम उसको वेस्ट की तरफ पॉइंट करके सुलाते हैं, जो मैंने आपको बताई थी डायग्राम, वो याद करना, और ताकि वो सन में उसकी आत्मा चले जाए और वो हेवन में चले जाए, ये लोग का है। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो एक्चुअल लाइफ है वो कब मैटर करती है, जब हम एनवायरनमेंट के साथ नेचर के साथ रहते हैं। तो हमको अपने कूल बाम्बू के साथ ही रहने दो, हमको सीमेंट के घरों में नहीं रहना है, हमको कूल बाम्बू के अंदर के ही रहना है जहाँ पे सनलाइट आती है। ठीक है, और मैं आपसे अपील करती हूँ कि प्लीज हमें अपने नेचर के साथ ही रहने दो, हमको उसी के साथ चलना है, वॉक करना है, उसी के साथ बसना है। गॉड यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बस यहाँ पे ये पोयम समाप्त हो जाती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका सॉल्यूशन है, बिकॉज गवर्नमेंट तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम चुप रहेगी, उसको भी डेवलपमेंट चाहिए, वहाँ के लोगों को नेचर चाहिए, एक को डेवलपमेंट चाहिए, एक को नेचर चाहिए, तो बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, बस यहाँ पे पोयम समाप्त हो गई, और इसी के साथ यहाँ पे सारे जो हार्डवर्ड थे लिखे गए हैं, ज्यादा हार्डवर्ड तो थे नहीं, मैंने बता दी हूँ। अभी इस पोयम का फिगर ऑफ स्पीच राइमिंग स्कीम कुछ नहीं है, ये पोयम जो है फ्री वर्स में लिखी गई है। तीन क्वेश्चन आपसे पूछने जा रही हूँ, बी रेडी। तीन क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ, आर यू ऑल रेडी, बताइए। एप्रिसिएशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, आइस ब्रेकर एंड फिगर ऑफ स्पीच, इस वीडियो के नीचे क्लिक करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा, सब कुछ मैंने डाल दी। ठीक है, सब मिल जाएगा। चलो, क्वेश्चन बैंक इसका अपने पास अवेलेबल नहीं है। यू आर द फर्स्ट बैच जो ये पोयम पढ़ रही है, पिछले साल के सारे बच्चों को ये पोयम ओमिटेड थी। क्यों? बिकॉज कोरोना की वजह से उन लोग का सिलेबस कम कर दिया गया था, ऑनलाइन चीजें चल रही थी इसलिए। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आते हुए, द पोयम इज रिटन इन फ्री वर्स, ये बात से आप अग्री करते हो या नहीं करते हो? ये पोयम जो है फ्री वर्स में लिखी गई है, डू यू एग्री विद दिस और नॉट? या आप बोलना चाहते हो कि नहीं, इसमें तो बहुत सारे राइमिंग स्कीम यूज किए गए थे। जल्दी जल्दी जल्दी, ट्रू, क्या बात है, एब्सोल्यूटली करेक्ट एवरीवन, आंसर इज ट्रू। इस पोयम में कोई भी राइमिंग स्कीम का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये पोयम को फ्री वर्स में लिखा गया है, ट्रू आंसर। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, पोएटिस ट्राइज टू अवेयर पीपल अबाउट अफॉरेस्टेशन। पोएटिस जो है वो इस पोयम के थ्रू लोगों को अफॉरेस्टेशन के बारे में जागृत करना चाह रही है, ट्रू और फॉल्स? अच्छा, ट्रू, वाह जी वाह, ने कॉन्फिडेंस के साथ ट्रू बोल रहे हैं ना, कितने बच्चे, टॉम क्रूज, समांदा, फरहान पठान, अरमान मलिक, गलत हो गया तुम्हारा आंसर। इसका आंसर है बी, अफॉरेस्ट्रेशन नहीं भाई, डिफॉरेस्ट्रेशन है वो, डी डी दो अपोजिट वर्ड है, डिफॉरेस्ट्रेशन के बारे में इस पोयम में बताया गया है ना। अफॉरेस्ट्रेशन मतलब क्या होता है, डिफॉरेस्ट्रेशन का उल्टा, यानी मैं अगर बोलूंगी गवर्नमेंट अफॉरेस्ट्रेशन में फोकस कर रही है, यानी पेड़ लगा रही है, प्लांटिंग कर रही है, और मैं बोलूंगी डिफॉरेस्ट्रेशन गवर्नमेंट कर रही है, इसका मतलब क्या, पेड़ काट रही है, तो ये पोयम में डिफॉरेस्ट्रेशन के बारे में अवेयर कर रहे हैं ना, अफॉरेस्ट्रेशन के बारे में थोड़ी, तो इसका आंसर फॉल्स है। तो क्वेश्चन को समझा करो पहले, ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ट्राइबल बिलीव नेचर एज देयर गॉड। ट्राइबल लोग जो होते हैं वो नेचर को ही अपना भगवान मानते हैं, ये बात से आप सच एग्री करते हो या नहीं?
ट्राइबल लोग जो 9-30 स्टेट में रहते हैं, ममंगदाई भी वहीं की है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। यस, एब्सोल्यूटली करेक्ट। ट्रू आंसर है, ठीक है। अब देखो, पोयम तो आपने समझ लिया हो यार, प्लीज उसके अलावा आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग भी देखना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए इस पोयम से कैसे क्वेश्चंस आएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ब्रेनस्टॉर्मिंग के नीचे जो लिंक है ना, एक बार उस पर क्लिक करो, चुपचाप वो वीडियो को सुनो। मैंने ही वो वीडियो बनाई हूँ, छोटी सी है। इस पोयम के अंदर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्वेश्चन का आंसर पूरा का पूरा उसमें दिया गया। आपको समझ में आएगा कि अच्छा, इस पोयम से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसा ऐसा आंसर लिखना है। एप्रिसिएशन, फियर ऑफ स्पीच, आइस ब्रेकर सब है, ठीक है। तो पोयम समझने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे, आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप भी करना है, उसके बाद फिर टेस्ट भी तो देना होता है ना, तो जाके प्रैक्टिस होती है। इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, और आज की विनर हमारी है जागरूकती। क्या बात है, जागरूकती के मुझे तीनों आंसर देखने को मिले, और करेक्ट आंसर देखने को मिले, फास्ट आंसर देखने को मिले। तो आज की विनर जागरूकती है, लेकिन आप सबको पता है, यू ऑल आर द विनर। वी डू दिस जस्ट फॉर द फन, राइट। सो मजा आया, ये पोएम को डीप अंडरस्टैंड कराने की मैंने कोशिश की हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, तो ये वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो जाएगी, आप जाके फिर से इसको रिकॉर्डिंग वे में देख सकते हो। अब क्या होने वाला है भाई, पोएम सेक्शन तो हमने समाप्त कर दिए, अब क्या होगा, चैप्टर बचा हुआ हमारा जो भी है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो कल रात 9 बजे हम करेंगे आपका चैप्टर नंबर सिक्स इनटू द वाइल्ड। यस, चैप्टर नंबर 6 हम करेंगे, चैप्टर नंबर 5 को मैं बाद में कराऊंगी। तो कल रात 9 बजे चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है इन टू द वाइल्ड, इसको हम पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं। रेडी रहना। मैं आपको बताई थी कि मेरे साथ अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, दिन का 1 घंटा निकाल रहे हो इंग्लिश के लिए, तो आपका साथ में पढ़ा इंग लैंग्वेज भी होता जाएगा, ठीक है। तो कल रात 9 बजे आपके इंग्लिश सिलेबस का चैप्टर नंबर 6 इन टू द वाइल्ड पूरा का पूरा पढ़ाने वाली हूँ। इसलिए इंग्लिश के टेक्स्ट बुक कल रात 9 बजे लेके बैठ जाना। इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो वीडियो को अगर आपको पसंद आती है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिन्होंने कोई ट्यूशन नहीं लगाया है और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है, गाइडेंस चाहिए, उनका कोई सपोर्टर नहीं है, तो बस ये चैनल उनके साथ शेयर करो, तो बहुत ही मदद हो जाएगी उन लोगों की। दूसरी चीज, अगर आप कोई भी ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हो, टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज ज्वाइन हो जाओ, बिकॉज उधर पे ही हमारे सेशन के लिंक्स आते हैं। कभी कभी सेशन पोस्टपोन होता है, कभी टाइमिंग इधर उधर हो जाती है, तो उसका अपडेट आपको किधर मिलेगा, उसका अपडेट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप मैंने इस आपको कमेंट सेक्शन में दिख रहा है वहां पे पिन कर दी हूँ, तो प्लीज ज्वाइन हो जाओ उधर पे, कोई टेंशन नहीं होगा। उसके अलावा प्लीज आप लोग जो है इस वीडियो में कमेंट किया करो, आपके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। मतलब दिन का मेरा सबसे बेस्ट मोमेंट वही होता है कि यूट्यूब चैनल में जाके कमेंट्स पढ़ना। तो आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स जब मैं पढ़ती हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन होता है कि हाँ, आप लोगों के लिए भी बहुत सारी चीजें जो कर सकती हूँ वो करूँ, ठीक है, टाइम निकाल के। मेरा भी बहुत हेक्टिक बिजी शेड्यूल होता है, बट आप लोग के जब कमेंट पढ़ती हूँ, तो ऐसा लगता है कि चलो यार, थोड़ा टाइम तो निकाल सकते हैं हम, अपना कुछ बेस्ट दे सकते हैं ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए, आप जो डिमांड कर रहे हो मैं पूरा फुलफिल कर पाऊँ, ठीक है। सो वीडियोस के नीचे प्लीज कमेंट कर देना, आपको वीडियो पसंद आती है नहीं आती, जो भी आपका रिव्यू है, फीडबैक है, अगर आपको कोई चीज प्रॉब्लमेटिक लग रही है तो वो भी मुझे बताओ, ताकि मैं इम्प्रूव कर पाऊँ, ठीक है, आपके लिए जो चीजें हैं वो अच्छे से बना पाऊँ। तो इसी के साथ कल मिलते हैं रात 9 बजे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, एंड क्या देख रही थी मैं, एंड क्या कुछ बोलना चाहते हो? कल चैप्टर होगा, यस यस यस, कल चैप्टर होगा। मेंटी जो है मैं थोड़ा सा बाद में लूंगी, पहले मैं चैप्टर्स पूरे पढ़ा लूंगी, और उसके बाद लाइक थोको तमाशा आ गया। कल चैप्टर नंबर 6 होगा, मेंटी जो है हमारा सिलेबस जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आपके मेंटी बैक टू बैक लूंगी, ठीक है। थोड़ा मैं मेंटी को अभी नहीं लूंगी, बाद में लूंगी। बाय बाय।